अगली कड़ी में प्रस्तुत है महाप्रभाविक ऋषि मंडल स्तोत्र। जैन परंपरा में इस स्तोत्र को अचिंत्य प्रभावी माना गया है। यह एक तंत्र प्रभाव युक्त रचना है। इस स्तोत्र में अरहम और रिम इन दो बीजाक्षरों को सर्वाधिक शक्तिशाली सिद्ध करते हुए अरहम में नवपद स्थापना का एवं रिम में 24 तीर्थंकरों की विधिवत स्थापना का वर्णन किया गया है। इस स्तोत्र में धृति लक्ष्मी आदि महादेवियों की स्थापना का विधान तथा उनकी आराधना किस प्रकार की जाए यह भी बताया गया है। इसमें मुख्यतया डाकिनी शाकिनी आदि दुष्ट स्वभावी देवियों द्वारा शरीर रक्षा की प्रार्थना भी की गई है। इस पाठ का स्मरण शुद्ध रीति से करने पर एहिक समस्त प्रकार की आदि व्याधियां दूर होती हैं और पारलौकिक सुख समृद्धियां यावत मोक्ष पद की प्राप्ति भी होती है। यह गोपनीय स्तोत्र है, अतः इसे हर किसी को पढ़ाया नहीं जा सकता। यदि यह स्तोत्र मिथ्यात्वी के हाथ में चला जाए तो बाल हत्या पदे पदे पग पग पर बाल हत्या करने जितना पाप बढ़ता जाता है। तो ऐसे अतिशय प्रभावी स्तोत्र को अब श्रद्धापूर्वक सुनते हैं। आद्यन्ताक्षर संलक्ष्य मक्षरं व्याप्य यत् स्थितम् अग्निज्वाला समं नाद बिन्दुरेखा समन्वितम् अग्निज्वाला समाक्रांतं मनोमाला विशोधकं विदीप्यमानं हृत्पद्मे तत्पदं नौमि निर्मलं अर्हामित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्टिना सिद्धचक्रस्य
Cause
Yes.
परमा